हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 10:30 बजा हुआ है और मैं तिरुवनंतपुरम में हूँ, केरला। केरला तिरुवनंतपुरम में हूँ और जिस जगह में मैं अभी बैठा हूँ उसका नाम है वैली, कुच्चुवेली। ट्रेन स्टेशन से मैं आया था इधर और मेरा सामने में इधर है वैली टूरिस्ट विलेज। उस रास्ते से होके मैं अभी आया इधर। बहुत बड़ा लंबा सा ऐसा बना के रखा है चलने के लिए और ये साइड में समुंदर है। और ये मेरा राइट हैंड साइड में इधर इसरो सेंटर है, इसरो म्यूजियम भी है इधर। और इसरो सेंटर इसकी नज़दीक में, इधर ही से इधर समुंदर का साइड में से एक बड़ा लंबा समुंदर है तो इधर वो रॉकेट छोड़ता है। इसरो का जितना भी ये हुआ है इस जगह से हुआ है, तिरुवनंतपुरम। और उसी जगह में मैं आया हूँ और मैं पहला सोचा कि चलो बीच देख लूँ, तो बीच में घूमने के लिए मैं आया। मेरे पास बड़ा बैग है, बैग को लेके ही घूम रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी होटल को बुकिंग किया है नहीं। बैग है और मैं हूँ, सिर्फ हम दो है इधर और इसको मैं इसलिए कुछ रोड मानता नहीं क्योंकि ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ भैंस के लिए सिंह भारी नहीं होता है, ऐसे ही अभी मेरा भी हो गया। अब ये 10 किलो है कम से कम, इसको उठाने का मेरे को हैबिट हो गया। ये नारियल का पेड़ सभी समुंदर की तरफ मोड़े हुए हैं। अभी मैं एक बार आगे जा रहा हूँ और भी टूरिस्ट लोग हैं इधर घूम रहे हैं और इस तरफ मैं भी अभी जाऊँगा। इधर टूरिस्ट को देखने के लिए बनाया था शायद, लेकिन समुंदर कभी कभी ज़्यादा आता है तो इधर तोड़ दिया। ये सब टूटा हुआ है, बहुत पुराना हो गया। ये देखो इधर टूटा हुआ है, आधा तक ही है, वो साइड में नहीं है। ऐसे वो समुंदर इधर आएगा तो फिर ये सब ये साइड में समुंदर जाता होगा शायद। इधर पानी है, अंकल नहा रहे हैं और सब धुआं धुआं उड़ा हुआ है, ये सब नमक का पानी का धुआं है। अभी मैं एक बार आगे तरफ जाता हूँ। ये साइड में समुंदर है और इधर रोड है टूटा हुआ और इधर नारियल का पेड़ है, नारियल का जंगल है। कोई मजबूत सीमेंट का घर भी बनाया हुआ है और नहीं तो ये कच्चा घर है सब। अभी मैं आगे जा रहा हूँ। जाल के अंदर मुर्गी भी पाल के रखा है और इधर ताश खेल रहे हैं अंकल लोग। इधर मच्छी का जाल सुखाने को डाला हुआ है और इधर रेडी कर रहे हैं जाल, मच्छी मारने को जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। इधर अंकल लोग रेती में ताश डाल के खेल रहे हैं। अरे घोड़े भी हैं इधर, घोड़े भी पाल के रखे हैं। इधर भी रस्सी, ये क्या चीज़ का रस्सी होगा इतना, जाल बनाने के लिए शायद। इधर भी नहा रहे हैं, अच्छे अच्छे घोड़े हैं। इधर कुछ ऑफिस जैसा लग रहा है, लाइफ गार्ड स्टेशन लिखा है उधर, लाइफ गार्ड स्टेशन इधर आगे है। मेरे को इधर मच्छी सुखाया हुआ मिला, जाल डाला हुआ है, नीचे भी जाल है ऊपर भी जाल है और ये मच्छी सुखाया हुआ है। इधर बैठने के लिए गाँव में जगह है, अच्छा दुकान भी हो सकता है इधर। लाइफ गार्ड स्टेशन बोल के है इधर। अरे बाप, कितना फ़ोन नंबर लिख के रखा है इसने, सब फ़ोन नंबर लिख के रखा है। प्रकाश लव उत्प्रेति लिखा है। ये है चाइना का ग्रेट वॉल,
चाइना का ग्रेट वॉल जैसा लग रहा है, और ये साइड में नारियल। क्या जगह है ये, समुंदर बीच है ना, सफा है, साफ है, पूरा क्लीन नज़र आ रहा है। इधर मजबूत वाले घर बन रहे हैं, इधर पार्क भी है वो बच्चों के खेलने के लिए, प्लेन में चढ़ के घूमने के लिए। ये बन रहा है चाइना का ग्रेट वाले में भी ऐसा ही, 100 100 मीटर में ऐसा है, इधर भी सेम ऐसे ही बनाया हुआ है, थोड़ा चौड़ा है, फिर से रोड आ गया। डेंजर एरिया साइन बोर्ड लगाया हुआ है, डेंजर। उधर छतरी में लाइफगार्ड है, लाइफगार्ड बैठा हुआ है, उसी एरिया में जाके आप नहा सकते हैं। साढ़े 10 बजा हुआ है और मैं समुंदर के किनारे नहीं हूँ, इधर शायद शाम का टाइम में, सुबह का टाइम में बच्चों के लिए ये खेलने के लिए जगह बनाई हुआ है। इधर खाने के लिए है कुछ, होटल जैसा लग रहा है, क्या लिखा है, किसी को पढ़ने को आएगा, वो भी चिल्ली जैसा लग रहा है। फोटो तो फ्रेश जूस भी मिलेगा। ये रास्ते इसके बाद नहीं है बनाया हुआ, इधर है घूमने के लिए। अच्छा वो देखो अंकल का आइडिया, पत्ता पकड़ने के लिए सीधा सीख में लगा रहा है और उसमें घोबरा है, फटाफट पत्ते आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया निकाला अंकल ने। इधर भी घोड़े हैं, अच्छा घोड़े में घूमने के लिए घोड़ा के आदमी बैठा हुआ है एक, और साइड में लेक का पानी है, और इधर का समुंदर का पानी शायद इधर तक आता होगा, और उधर तक ये तालाब है। और इधर बहुत सा जगह हरी है, प्लास्टिक डाल के दुकान हो सकता है। इधर अभी कोई भी नहीं है, समुंदर बहुत डेंजर कंडीशन में है इधर इसके लिए, नहीं तो ये एरिया में नहाने के लिए बहुत आदमी आते होंगे। इस जगह में मैं अभी कैमरा निकालूंगा, एक फ़ोटो खींच के जाता हूँ। तिरुवनंतपुरम की याद आएगी मेरे को।